हेलो हेलो जी जी कौन बोल रहा है? मैं ब्रजेश बैंगलोर से। तुम वहां क्या कर रहे हो और यहां हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? सीमा, ब्रजेश का फोन। पता है सीमा कितना उदास रहती है तुम्हारे लिए, और एक तुम हो कि 2.5 महीने से गायब। शर्म तो नहीं आती ना? क्या करूं जी जी, पता नहीं अभी और कितने दिन लगेंगे। पूरा अखबार का सेटअप एस्टेब्लिश करना है, इतना बड़ा स्टाफ है, मशीनरी इंस्टॉल होनी है अभी, और इनॉग्रेशन की डेट फिक्स हो चुकी है। कितना काम है यहाँ, आप जानती है ना? हाँ हाँ सब जानती हूँ, काम ही सब कुछ होता है, घर कुछ नहीं ना। लेकिन मेरे भाई, सीमा को तेरा बहुत इंतजार है, बहुत अकेलापन महसूस करती है वो। ले आ गई, बात कर। हेलो ब्रजेश। हेलो सीमा, हाउ आर यू? आई एम हेल्पलेस यू नो, फ्री होते ही आने की कोशिश करूंगा। टेक केयर, ओके। कमाल का आदमी है, इतना भी काम क्या हुआ भला, बच्चे के लिए कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं। आज एशियन खेलों के चौथे दिन महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में भारत की स्वाति कृष्णा ने पहला स्थान हासिल किया और इस प्रकार भारत को 6 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। कबड्डी में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। इस प्रकार भारत को अब तक 13 रजत और 12 कांस्य पदक प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से 4 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य पदक महिला प्रतियोगियों ने जीते हैं। ये पहला मौका है कि महिलाएं पुरुष खिलाड़ियों से बाजी ले चुकी हैं। भारत की शानदार उपलब्धि पर बंद कर टीवी को। देखो बच्ची कब से रो रही है, दूध पिलाओ, उसे शायद भूखी है। कौन हो, भूख ना ही है भौजी का, बिलख रही है कल मुझे। मरने दो, मर जाएगी तो कुछ कम ना ही हो जाएगा, जान छूटेगी चुड़ैल से। तो पहले टीवी बंद कर। 19.2 और 18.7 मद्रास। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दे। हम बोले थे वे छूट जाएंगे, पर अब लड़का जनेंगे तभी जान छूटेगी। अब तो त्योहार दिन भी पूरे होने को है भाजी, हमारी उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, पर त्योहार जरूर लड़का होएगा, बताए देते। बित्ता भर का गोल मटोल लड़का। मैं तो कहती हूँ जी, एक बार और सोच लीजिए। इसमें सोचने की क्या बात है, हम सब सोच समझ कर ही आए हैं। देखिए अब आप छूट नहीं सकती। क्यों नहीं लीजिए, लीजिए लीजिए। लक्ष्मी चाय लाओ। जी मालकिन। मेरी भाभी है सीमा। नमस्कार सीमा, आप लोग मुझे गांव का सरपंच बनाना चाहते हैं, देखो ना, और ब्रजेश भी नहीं है, तुम्हें बताओ ना। बहन जी, हम आपको सरपंच इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप स्कूल की हेडमास्टर नहीं हैं, और वैसे भी गांव में आप सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, इसलिए ताकि बाहर से आने जाने वालों के सामने गांव की समस्याओं को ठीक तरह से समझा सके। क्यों जी? लक्ष्मी जाके बच्ची को, कब से रो रही है ये मुझे। मुझे तो जी लीडरशिप का जरा भी तजुर्बा नहीं है। ओहो, तजुर्बा तो करने से आता ना बहन। देखिए ना, गांव की एक औरत सरपंच हो, इससे बढ़कर गांव के लिए और क्या इज्जत होगी। क्यों जी? माँ ही रोती रहती है, मरती काहे को नहीं। जैसन तू नहीं मरत है, इसलिए ई नहीं मरत है। सब की सब हमार छाती पे मुंह तलन को जिंदा बचत हो, बातें बनावत हो, चल बैठो। अच्छा तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, कल तशरीफ ले आइए, प्रधान जी को भी मिल लेंगे। जरूर,
जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है मैं वहाँ पहुँचती हूँ और सबसे मिलना भी हो जाएगा फिर, क्योंकि जरूरी कार्रवाई जो है कागजी वो भी पूरी हो जाएगी। जरूर हाँ तुम जाओ। तो ठीक है ना? नहीं बस धन्यवाद, अब हम इजाजत लेते हैं। बैठिए थोड़ी देर। नहीं बस शुक्रिया, फिर हाजिर कल मैं इंतजार करूँ। चलिए मैं आपको बाहर। आप तकल्लुफ भी क्यों करते हैं? आप तो शीघ्र मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चिकनी, देखा नहीं कब से हो रही है, उठाती क्यों नहीं इसको? ले पकड़ इसको, जा अम्मा के पास ले जा। सीमा, लगता है तेरा नन्हा मुन्ना तो बड़ा किस्मत वाला है। क्यों, ऐसी क्या खास बात हुई? लोग मुझे गांव का सरपंच बना रहे हैं, ये खास बात नहीं? तेरा बेटा पैदा होने से पहले ही गुल खिला रहा है। और अगर बेटी है तो गुल खिला रही है ना? चल जादू से प्रिडिक्शन करते हैं। जादू से? हाँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी। जी मालकिन। रसोई से गोल लोटा और मेरी अलमारी में से धागा लेकर आ। जी मालकिन। आज मेरी स्कूल की प्राइमरी टीचर बता रही थी कि ये जादू करने से बिल्कुल सच निकलता है। मालकिन लोटा। हाँ ऐसे कर इसको यहाँ यहाँ बीच में। हाँ क्या कर रही है एका? हाँ बताती हूँ, बैठो। सीमा दीदी आप भी क्या? मैं अरे आओ ना, बिल्कुल सच निकलता है। अच्छा अच्छा आओ ना बाजी, देखो क्या कह रहे थे। बल्कि आप इस धागे को तू यहाँ से पकड़, धागा टूटना नहीं चाहिए। ये अब धागे को मेरी तरफ निकालना है। हाँ और लोटा हिलना नहीं चाहिए। अगर लोटा हिल गया तो इसका मतलब लड़की, और अगर लोटा नहीं हिला तो लड़का। ध्यान से करना लक्ष्मी, ध्यान से देखना, लोटा हिले नहीं। हाँ क्या था? क्या बताया था? तीन बार चल, अब ध्यान से करना। हाँ लोटा हिलाना नहीं। ध्यान से करना। मुझे तो आता भी नहीं, पता नहीं हर बार लड़की क्यों हो जाती है। बल्कि ने एक बार और करके देखो, अब जरूर होएगा। और जो पहले दो बार बेटी आई वो बेटा होगा। बल्कि ठीक कहे थे, हम कभी यही लागे थे। इला भाजी दूध। अरे इतना ना ही पड़ा करो, ये हालत में अच्छा नहीं होता है। क्या अच्छा नहीं होता है? अरे बच्चे का दिमाग भी असर हो जाई है। कमजोर हो जाई है तो क्या करी हो? इमा हंसने की कौन बात है भौजी? अरे मेरे पढ़ने से उस पर कोई असर नहीं होगा। अरे तुमने लड़की को कैसे पकड़ रखा है? ठीक से पकड़ो, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। तो क्या कह रही हूँ भौजी? इस किताब में लिखा है कि बच्चों को कैसे पालना चाहिए। जब तक बच्चा खुद गर्दन सीधी करने के लायक ना हो, उसे सहारे की जरूरत होती है। अरे हंस रहे हो? ए पागल, समझने की बजाय ऊपर से हंस रहे हो? अरे भौजी किताब पढ़ के कौन बच्चा पाले थे? अरे हम पांच लड़कियां जनी है, उनका कुछ टेढ़ा एड़ा नहीं हुआ है, सबकी सब हट्टी कट्टी है। अच्छा दिखाओ जरा इसके नाखून, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे देखो कितनी एनेमिक लगती है।
का लागत है? अरे इसमें खून नहीं है। लो, खून नहीं है तो क्या ऐसे ही चिल्ला के नाक में दम कर दी है? और तुम इसकी टांगों की मालिश भी नहीं करती ना, रोज किया करो। अरे भौजी, तुहार पास बैठेंगे तो पगला ही जाएंगे हम, तुहार बिटवा की खूब मालिश किया करेंगे। सुई जाओ, जावत है। जल्दी से तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाना है। जी जी, मैं ठीक तो हूँ, ऐसे ही चलूंगी। अच्छा, भाजी पानी की बोतल तैयार है, ये ले आऊं का? सीमा जी, छोटा नहीं करते। अच्छा हुआ लड़की थी, लड़का होता तो खैर, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी को देख, लड़की पे लड़की पैदा हो रही है। पर उसने कभी मन को लगाया? अरे तू तो पढ़ी लिखी औरत है, पहली बार में हिम्मत हार जाएगी। चल जल्दी से दूध पी ले।
मैंने अभी तक पूजा भी नहीं की। ले पकड़ पकड़ पकड़, टेलीफोन की घंटी बज रही है, चल और पी लेना। हाँ आपकी जिद थी जीजी, इट वॉज नॉट अवर लक एनीवे, जो हुआ सो ठीक है। सीमा का ध्यान रखिए। हाँ परसों निकल रहा हूँ मैं। सीमा ठीक है ना? हाँ अपने कमरे में है, यहाँ तक आएगी तो। नहीं रहने दीजिए, क्या बात करूंगा उससे मैं, जो होना था सो हो चुका। हाँ आ रहा हूँ मैं, आस्क हर टू टेक केयर। ओके बहुत चिंता करत हो ना भौजी, देखो कितने बाल झड़त है। अरे कुछ बोलो तो, और कुछ नहीं तो हमका गाली ही निकालो। ये सब हमार जन्म जड़ी लड़की का कारण हुआ है, ना उका गिरे का बचाए की खातिर अब दौड़ के जाते और ना ही बुरा पकत देख के दुखी होते। हम और तेल लेके आवे थे। Yeah.
बच्ची जी, आज कल मोही ने पहला दांत निकाला है। हाथ लगाने पर चुपता है और हल्की हल्की गुदगुदी भी होती है। जी, वो अभी जागा था। बहुत दिन हो गए तमाशा देखत देखत, उनके पीछे तो दुम हिलात फिरत हो। नहीं भाजी, ये बात नहीं है। राम कसम, हम तो खुद ही तरस जाते हैं तुम्हें देखे खातिर, पर उस ससुरे। अरे कुछ नहीं होता, चलो आओ उठो। हम सब जाने थे ही तो मलकिन से शर्म करा थे, ये खातिर तो हे बर्दाश्त करा थे। हाय दैया, ये देखो, ये हम पर लांछन लगा थे। अरे भौजी, कुछ तो शर्म करो, ये उम्र में भी तो हो गई तो हमला घर डाका डाल का पाप करी हो। देखो का बोला था भौजी, में इल्जाम लगा था। माफ अगर का माफी मांगो नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं मांगेंगे माफी, अरे हम सब पागल है, कुछ समझे नहीं है। अब सब जाने थे का जाना। अरे हम तो तैयार करके घर में रखा और हमें साउथ बन के बैठी है। का छोड़ो, हम का साथ कह रहे थे छोड़ो, और हम तुमको बता ही देते कि माफी मांगा। छोड़ दो, हम का का समझ के छोड़ो, हम समझ का समझ। अरे क्या हो रहा है ये सब, क्यों मार रहे हो उसे? कैसी हो? अच्छी हूँ। बहुत दिन लग गए ना बेंगलोर में। जी जी, दिनों बाद लौटे हैं, क्या सोचे थे? हटो, हम कर देते। क्या जबरदस्ती बैठूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और देख, रात जैसा राम सुख कुछ करे तो मार खाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? अरे अपन मरद की मार तो मार लेते, ये तो रात को झगड़ा करे पैसे देने हम भूल जाते हैं, ये तो रोज का धंधा है। मरी हुई बच्ची के पैदा होते ही डॉक्टर को तो समझ आ गया था कि अब दोबारा बच्चा नहीं पैदा हो सकता, पर वो यकीन के साथ नहीं कह पा रहा था। कह रहा था कि 40 दिन के बाद फिर चेक करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दिल्ली में उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, एम्स में चेकअप कराऊंगा उसे।
उसे बताया तो नहीं ना? जी जी, मैं सुबह उसे ले जा रहा हूँ। ठीक है। सीमा, उदास नहीं होना, अपना ख्याल रखना। विजेश, सीमा को डॉक्टर के पास जरूर ले जाना, भगवान फिर से सब कुछ देगा। बेबी जी, गाड़ी छूट जाएगा। हाँ ब्रजेश, तुम चलो और सुनो, जाते ही मुझे फोन कर देना। जी चलो राम सिंह। हाँ भैया, है ना, चला।